अच्छा है वो मेंटल के साहब अपनी दुकान में नहीं आता। ये क्या? क्यों रो रहा है? ये क्या? अपनी दुकान के सामने इतने लोग क्यों जमा है? वहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ, आप यही रुकिए। डैडी मैं कैसे जीऊंगा? डैडी 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 मुझे बताए बिना कहाँ चले गए डैडी? हार्ट अटैक ने आपकी जान ले ली और आप मुझसे दूर हो। सेठ सेठ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? उस पागल का बाप मर गया और वहाँ फोटो रखकर रो रहा है। अच्छा हुआ पनौती चली गई, कितने दिनों तक ये खो गया वो खो गया क्या परेशान कर रखा था, चनी दूर हो गया। आप चलकर देखिए ना सेठ। मैं नहीं आऊंगा, तू जा रहे। अरे सेठ आपका जाना जरूरी है। अबे तू जाना, आप जाइए ना, पेको लगाया क्या? जाता है मैं तुझे। अरे डैडी कहाँ चले गए? मेरे डैडी कहाँ गए? सेठ ये देखिए। सेठ ये क्या हुआ? वहां मत चढ़िए सेठ, नीचे उतरिए सेठ। ये बंदरों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हारी वजह से मेरे सेठ पागल हो गए हैं। ये सारा नाटक मैं ऐसे पागल बनाने के लिए ही तो कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? बताता हूँ, 15 साल पहले इस आदमी ने मेरी बहन से प्यार करने का नाटक करके किसी और के साथ शादी कर ली थी। मेरी बहन पता है कौन है? नहीं। नीलांबरी। नीलांबरी कौन है पता है? मेरी बहन। तब से वो अकेले कमरे में बैठकर इसकी शादी की कैसेट आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे आगे पागलों की तरह कैसेट देखती रहती है। बेचारी पागल हो गई है। पूजा रुको, पूजा पूजा मेरी बात तो सुनो। नहीं। पूजा प्लीज। पूजा तो अंदर कहाँ जा रहा है? अंकल वो पूजा के साथ। पूजा अब छोटी नहीं रही जो उसके साथ खेल रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा अंकल, पूजा से कुछ बात करनी। जाओ, मैंने कहा ना, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। धक्का क्यों मार रहे हैं? क्या हुआ? क्या रे, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इज्जत से पेशा। इज्जत का इतना ख्याल है तो करना भी सीख ले। क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारे अंकल है और इनसे ऐसे पेश आ रहे हो? और अंकल ने जो किया वो ठीक है क्या? तू बच्चे की मुंह क्यों लग रहा है बेटा? तू बीच में मत बोल माँ। अरे पर बेटा, तुम पूजा को लेकर अंदर जाओ। अरे देख क्या रही हो, पूजा को लेकर अंदर जाओ, मैंने तुमसे कहा ना। इन पर गुस्सा क्यों रहे हो? देखो ना जीजा जी, बड़ों को लिहाज ही नहीं करता है, अनाप सकता है। इनसे पूछो डैडी उन्होंने क्या कहा। देखा ना, आपके सामने ही कैसे बोल रहा है। ठीक है मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। पहले उन्होंने क्या क्या पूछे डैडी? बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं इसने। संस्कार अच्छे ही है लेकिन आप। मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ, तुम घर जाओ। लेकिन डैडी मैं जो कह रहा हूँ आप सुनते क्यों नहीं? जितना कहा है उतना करो, तुम घर जाओ। पहले आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। माँ मैं बहुत गुस्से में हूँ, सवाल जवाब करके मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? सबके सामने डैडी ने मुझे चाटा मारा। मारा तुझे? अरे वाह, ये काम तूने बहुत पहले करना चाहिए था, शुक्र है अब तो किया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? तुम्हें बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? छत पर। वहाँ जाकर क्या करेगा? ऊपर से कूदने के लिए, ना तुम चाहिए ना खाना चाहिए, तुम दोनों पति पत्नी खुश रहो। हटो। मैंने इसे खाने की बात कब की? ये क्या मालकिन, बेटा ऊपर से कूद कर जान देने की बात कर रहा है? वो क्या कूदेगा, उसका बस चले तो हम दोनों को कूदने के लिए कहे। ये लो ये कपड़े ले जाओ और धो लो। हाँ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। हाँ। विजय कहाँ है? ये क्या जी, आपने सच में उसे चांटा मारा? पता है मुझे कितना गुस्सा है, तुम्हारे भाई को 2 थप्पड़ मारने वाला था, उसे मारना ठीक नहीं लगा इसलिए अपने बेटे को मार दिया। अब क्या पता उसने क्या किया और भैया ने क्यों डांटा। उसने कोई भी गलती की हो तुम्हारे भाई को क्या करना चाहिए था, हमें आकर बताना चाहिए था ना। उसने क्या किया, होने वाले दामाद को 4 लोगों के सामने बिना सोचे समझे डांटने लगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर के सारे लोग ऐसे ही क्यों हैं? क्या कहा?
तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों को कह रहा हूँ। तुम तो मेरे अर्धांगिनी हो ना। विजय छत से कूदकर जान देने गया है। क्या, छत से कूदकर जान देने के लिए गया है? वो कूदने गया है और तुम यहाँ? ए विजय, विजय बेटा, ये तू क्या कर रहा है बेटा? चल इधर आ। आप यहाँ मत आइए वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू आजा। आजा आजा बेटा, नीचे उतर जा। आजा, मैं नहीं आऊंगा। अंकल के सामने मुझे क्यों मारा? गलती हो गई बेटा, मामा जी अच्छे आदमी बेटा। अगर तुम्हारे सामने उनको चिल्लाता तो उन्हें बुरा लगता ना बेटा। बात को समझा करो, चलो नीचे आ जाओ बेटा, हम लोग खाना खाएंगे। आ जाओ। अरे गिर जाओगे बेटा। मैं गिरूं या मरूं, आपको इससे क्या? आप जाइए, आप अच्छे से खाइए। लक्ष्मी, चिकन तंदूरी सिर्फ मेरे लिए निकाल कर रखो, मैं अभी आकर। मैं यहाँ ही हूँ। ओहो, तुम्हारी जरा सी तरफदारी क्या कर दी, तुम तो इतराने लगी। ठीक है चलो जल्दी से खाना लगाओ, ये खुद ही आ जाएगा। ये एक्टिंग वगैरह छोड़ना बेटा, तेरे डैडी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, बाद में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ, डैडी को खाना मत देना। भूख लगी है तो चल वरना जा। माँ, क्या मुसीबत? तुम भी जा रही हो? बाप रे, बहुत ऊंचा है। वो आ रहा है। ठीक है, आने दे। हाँ लक्ष्मी, हमारी शादी के दूसरे दिन तुमने चिकन करी बहुत अच्छी बनाई थी। वाह 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 वाह, खा के मजा आ गया था। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने, उसके बाद से आज तक वैसा मजा नहीं आया कभी। और उस दिन मुर्गी की टांग के बजाय आपने मेरी उंगली चबा ली थी, पता है? अभी तक तुम भूली नहीं है। धीरे से आसिए, पेट भर गया ना? निकालिए और डकार निकालिए। माँ, तुमने भी खा लिया ना? मेरे पति ने खा लिया तो मैंने भी खा लिया। तुम क्यों नहीं खाओगी? ए विजय, इस घर में तेरी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर तेरी पत्नी होती ना तो तुझे इनकी तरह खिलाती। मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। छे, कुछ बचा भी है या नहीं? बाउल पूरा खाली है, सब खत्म कर दिया। अब क्या खाऊं? जो है खा लेते हैं। क्या किस्मत है मेरी। बेटे को छोड़कर खुद खा लिया, तुम मेरी माँ ही हो ना? चल हट। ए जी सुनिए, खाना खाने आ जाइए। क्या? डैडी ने अब तक खाना नहीं खाया। माँ, आज तक कभी भी उन्होंने तेरे बिना खाना खाया है क्या? लीजिए डैडी, खाइए। पहले तू खा बेटा। तुम भी खाओ माँ। अपनी माँ और पिता को तो खाना खिला रहा है, लेकिन कभी अपनी इस बूढ़ी माँ को भी खाना खिलाया कर, मन को शांति मिल जाएगी। बेटा। बाबू जी, कहिए। मोहन कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। ओ, अच्छा, माधुरी कहाँ है? बहुत दिनों से दिख नहीं रही। आप नहीं जानते क्या, 15 सालों से वो अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती है। कौन है ये? दरवाजा किसने खोला? बंद करो, दरवाजा बंद करो। ये क्या माधुरी, ये सब क्या है? कितने दिनों तक ये शादी की कैसेट देखती रहोगी? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो माधुरी, किसी राजा राम नाम के धोखेबाज आदमी के लिए तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, अपना जीवन सब बर्बाद कर रही हो। तुम अगर सच में उससे बदला लेना चाहती हो तो तुम शादी कर लो मुझ जैसे नौजवान से। ज्यादा सुख देने वाला मर्द, ज्यादा सुख पाने वाली औरत, उन दोनों की जीत किसी भी चरित्र में नहीं है। इसी तरह 15 साल पहले उस राजा राम ने भी यही डायलॉग मेरे सामने बोला था, इसलिए मैं उसके जाल में फंस गई। वैसे आप कौन हैं? राजा, सबके दिल का राजा, गंगा भाई। वही स्माइल है, वही स्टाइल है, वही अदा, वही अंदाज। मधु गंगू, मधु गंगू, मधु गंगू, मधु गंगू, मधु। अब हम अपना घर बसाएंगे रानी। ये विजय ऐसे कहाँ जा रहा है? बाल गीले रखेगा तो सर्दी लग जाएगी। रुक। आंटी। आओ बेटी आओ।
तू यहाँ क्यों आई? चल जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तू जाती है या मैं जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तुझे तो मैं बेटा रुकना। देखी ना आंटी, खुद गलती करता है और मुझ पर भड़कता है। सोचा अंकल से मार खाकर लार साहब का मूड खराब होगा इसलिए मना नहीं, और ये मुझ पर ही भड़कता है। बिल्कुल सही है। तुम चुप रहो माँ, अगर मम्मी डैडी ऊपर ना आते तो मैं ऊपर से कूदने वाला था। ये सब तुम्हारी गलती है। शक्ल देख कर पता चलता है। चल जा। ये बीजे चुप कर। गुस्से की वजह से तेरा मूड खराब होगा, इसीलिए तेरे लिए एक अच्छी सी चीज लाई है। क्या लाई हो बेटी? ड्रेस है आंटी। ड्रेस? मुझे ड्रेस देने वाली तू कौन होती है? नहीं चाहिए तो जाओ। क्या हुआ बेटी, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? देखिए ना अंकल, किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार आई है। क्यों रे, प्यार से बात नहीं कर सकता? जब देखो लड़ता रहता है। डैडी आप कुछ नहीं जानते। डैडी ओह, तू सब कुछ जानता है क्या? अच्छा बेटी क्या है इसमें? नया ड्रेस है अंकल। किसके लिए? इसके लिए। इसकी शक्ल देखिए आपने। ये ड्रेस आप जैसे हैंडसम लोगों के लिए है अंकल। इसका मुँह देखिए, पूरा बंदर लगता है। डैडी इसे कह दीजिए कुछ भी बकवास ना करे, नहीं तो मैं इसका मुँह तोड़ दूंगा। क्यों, खुद नहीं बोल सकता? मजाक कर रहा था बेटी। देखो ना, तू क्यों इतना टेंशन लेता है? बैठ जा, चल। आप ही के लिए है अंकल। आजकल जिन्हें सूट नहीं होता वो अभी पहनते हैं। आप पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। मुझ पर जींस अच्छी नहीं लगती बेटा। ये तुम्हारी आंटी पर अच्छी लगेगी, इसे पहनाओ ये जींस। क्या आंटी जींस पहनती थी? ऐसी कोई बात नहीं है। चुप, बताइए ना अंकल, बताइए ना। अरे सुनो तो, कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। उस दिन हमारी शादी का दिन था। पलंग को पूरी तरह फूलों से सजाया था। मेरे हाथ में सेंट की बोतल थी। ए, वो सेंट की बोतल कहाँ है? आप ही ना कुछ भी कहते हैं। अरे रे, क्या शर्मा रही है। आगे सुनो बेटी। वो सेंट की बोतल लेकर फूस फूस करके सारी जगह में डाल दिया। उसके बाद तुम्हारी आंटी वहाँ से निकली और छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? और क्या, अपनी बीवी के साथ प्यार कर रहा हूँ इस तरह दिन दहाड़े? क्यों, दिन दहाड़े कोई प्यार नहीं करता क्या? आप अभी बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। ओफो, मुझे साड़ी पहनना आता है, आप बाहर जाइए। हाँ बहुत अच्छी तरह आता है। पाँच मिनट लेट आया, नहीं तो मैं तुम्हें नहलाने भी वाला था क्या? रहने दीजिए, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ ना जो आप मुझे नहलाएंगे? हाँ बच्ची ही तो हो, देखो कान में साबुन लगा। ओफो, ए ए लक्ष्मी रुको रुको, अरे रुको, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। देखो ये तो, ये बनारसी साड़ी है ना? नहीं। कांजीवरम? नहीं। तो फिर रफ एंड टफ जीन्स। अब देखो टन टन। क्या हो गया आपको? मैं ये पहनूंगी क्या, पागल हो गए हो? अच्छी लगेगी लक्ष्मी तुम्हारे फिगर पर। हाय हाय, चलो जल्दी से पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज। नहीं मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज लक्ष्मी। नहीं लक्ष्मी, प्लीज प्लीज एक बार पहन लो ना प्लीज। आप क्यों आ रहे? जीन्स पहनाने के लिए। जीन्स पहनना मुझे आता है, आप जाइए। जीन्स पहनना आसान काम नहीं है लक्ष्मी, बहुत मुश्किल है। ये पैर डालो, वो पैर डालो और उसके बाद चेन लगाना, बहुत मुश्किल है। आओ। मुझे पहनना आता है कहा है ना, आप यहाँ से जाइए। अरे जानू मैं आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं। ठीक है जा रहा हूँ। चलो ना मिल के मौज उड़ाए, नाचता ता थैया कुछ टाका भिड़ाए। हेलो जी सुन लो दिल क्या सुनाए, बिजी सड़क पर नाचे गाए। मेरे पास आ जा ये दिल ले जा, तू क्या जाने दिल ना माने। आजा आजा डियर प्यारा प्यारा वेदर, मैं हूँ बिल्कुल नियर मेरे हम सफर।
तो तेरी जुल्फों में उलझा, मेरी जुल्फे उलझी है तो सुलझा, तू मुझे लगे उड़ती हुई पतंग, सच है ये तू ले चल अपने संग, मैंने ये दिल तुझी पे हारा, जीवन ये तुझी पे वारा, मोहब्बत के चर्चे जमाने में होंगे होंगे ना हम तुम जुदा, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, हेलो जी सुन लो दिल क्या सुनाए, बिजी सड़क पर नाचेगा, लेना लाइट कच्ची मैं कली कभी ना करना फाइट, बचना तू मैं दूंगा लेफ्ट और राइट, सैया मेरे तू बाहों में लेना, बदले में प्यार तू देना, मैं नाचूं मैं गाऊं गगन में उड़ जाऊं, मैं भी तेरे संग चलूं, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, चलो न मिल के मौज उड़ाए, बिजी सड़क पर नाचेगा, मेरे पास आ जा ये दिल ले जा, तू क्या जाने दिल न माने, fall in my love my dear, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ए, इतना चिल्ला क्यों रही है? ए, यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आ, तुम भी ना हलो? ए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बगल में जो बैठी है ना उससे बात कर रहा हूँ। इस बंदरिया से? क्या रानी, गांव में इस तरह खुलेआम नहा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, तू जा यहाँ से, इसके साथ अच्छी तरह से इसके घर पे नहा लेना, जा। तुझे क्यों जलन हो रही है? अपने आप को हैंडसम समझते हो? हाँ हाँ समझता हूँ। तू जा कह रही हूँ ना,